हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको नवोदय विद्यालय के जो 11th क्लास के एंट्रेंस फॉर्म के बारे में जो हमने पिछली वीडियो दी थी उसमें हमने आपको बताया था कि आपकी एडमिशन जो एंट्रेंस एग्जाम के कब डेट आपकी फॉर्म की डेट है और कब वो लास्ट हो रही है। लेकिन इस वाली वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि आपको कितनी परसेंटेज आपको कम से कम आपकी होनी चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए और आपके लिए और क्या क्राइटेरिया हैं कि आप 11th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आप स्टूडेंट एलिजिबिलिटी में आपकी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट की वो आपकी 1 जून 2002 से 31 मई 2006 के बीच होनी चाहिए। इन दोनों डेटों को इसमें इंक्लूड करा जाएगा, मतलब जिसकी 1 जून 2002 भी उम्र है या 31 मई 2006 जिसकी उम्र है उसको इस कैटेगरी में रख लिया जाएगा। उसके बाद आपका दूसरी एलिजिबिलिटी है कि कैंडिडेट को जो 10th क्लास है वो किसी एक रिकॉग्नाइज्ड मतलब एफिलेटेड टू CBSE या फिर किसी भी उसका जो अपना होम बोर्ड है उससे उस बच्चे को 10th क्लास की होनी चाहिए। ठीक है, 2019-20 में ऐसा नहीं है कि आपने अब से एक साल पहले आपने वो 10th की है और फॉर्म आप अब भर रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम जो आपको लेके चलते हैं वो आपका है कि आपको कितने नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसके बाद कितनी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। देखिए यदि आप साइंस विद मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम नंबर आपके साइंस में 57% OBC जनरल OBC को चाहिए और 53% कम से कम आपके SC ST में होने चाहिए। इसी तरीके से आपके मैथ में 57% 53% और साइंस और मैथमेटिक्स का दोनों का आपको जो यदि एक एवरेज निकालो वो आपको 62.50 होना चाहिए और आपको जितने भी सब्जेक्ट आपके 10th में हैं मतलब आपकी 62.5 से परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए यदि आप साइंस विद मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं। दूसरी बात, साइंस विदाउट मैथमेटिक्स यदि आप लेना चाहते हैं तो आपके साइंस में 57% होने चाहिए, वही 53%, मैथमेटिक्स में आपके 57%, उसमें आपके SC ST के लिए 53%, आपके साइंस एंड मैथमेटिक्स में आपका एवरेज 57 हो तो भी चलेगा और एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट आपका 57 आपका हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपका कॉमर्स विद मैथमेटिक्स यदि आप चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको 57% होना चाहिए और SC ST के लिए 53% और बाकी ऑल सब्जेक्ट में आपका एवरेज 50% भी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स के लिए आप 50% मैथमेटिक्स में आपके होने चाहिए और 48% आपके बाकी सब्जेक्ट में होने चाहिए, सॉरी SC ST के लिए होने चाहिए और एवरेज आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये आपकी बात चल रही थी और बाकी ह्यूमैनिटीज के लिए ऑल स्टूडेंट हु आर डिक्लेयर्ड पास, आपको यदि आर्ट्स के लिए अप्लाई करना है तो आप केवल पास होने चाहिए, बस केवल आपको आर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करना है, आपको पता होनी चाहिए आपको फॉर्म भरने से पहले। तो देखिए इसके साथ आपके इसके बहुत सारे नवोदय के फीचर्स दे रखे हैं, इसको आप यदि चाहते हैं या आप हमारे जो 13 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसको यदि आप चाहते हैं कि इसे चाहिए आपको तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके आप लिंक ले सकते हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त और जिसको नवोदय विद्यालय की टोटल अपडेट चाहिए हमेशा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल गुड बाय, थैंक यू सो मच।